हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा 24/7। सो आप सभी लोगों का वंस अगेन अड्डा 24/7 पर वेलकम है। और आज भी हम एक सक्सेस स्टोरी के साथ आए हैं, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि SBI PO के रिजल्ट्स आए हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं क्योंकि SBI PO की प्रिपरेशन कर रहे थे और बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने SBI PO में फाइनल सिलेक्शन लिया है। और उसी सक्सेस स्टोरी में अगर हम बात करें तो आज हम जुड़ेंगे अंकित के साथ और अंकित से हम बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज जो है फॉलो किए और किस तरीके से उन्होंने जो है SBI PO जैसा एग्जाम जो है वो उसको क्रैक किया। तो उनकी जर्नी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो अंकित, आप जो है जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एंटायर अड्डा टीम और अड्डा 24/7 की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई एंड कंग्रेचुलेशंस। सो पहला रिएक्शन कैसा लग रहा है आफ्टर बिकमिंग SBI PO ऑफिसर, है ना, SBI में ऑफिसर बनने के बाद पहला कैसे लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं जब रिजल्ट आया था तो एकदम अनरियल फीलिंग थी ऐसा, क्योंकि हम बैंकिंग एग्जाम से कोई भी और एग्जाम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा एक ड्रीम सा लगता है कि कब वो दिन आएगा कि जब मैं अपना फाइनल सिलेक्शन में नाम देखूंगा। और जब मैंने देखा तो बहुत ओवरवेलमिंग माहौल था और बहुत अच्छा लगा मेरे को काफी देर तक तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि हाँ मैंने क्लियर कर दिया है, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। ओके, तो जिस टाइम आपने रिजल्ट देखा उस टाइम कौन कौन था आपके साथ उस समय वहां पर जब आप रिजल्ट चेक कर रहे थे, या अकेले में जाके धीरे से PDF खोल करके वहां पर देखा कि नंबर क्या है, या सब लोग थे वहां साथ में, क्या रहा आपका वो एक्सपीरियंस? सर मैं अपने रूम में बैठा था एक्चुअली, और व्हाट्सएप पे हमारा जो एक अलग ग्रुप है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, तो उनमें से एक अभिषेक नाम के हमारे कैंडिडेट ने उन्होंने PDF फॉरवर्ड करी थी, तो वही देख के पहले तो सर हार्ट बीट एकदम से तेज, मतलब एक वो नम वाली फीलिंग हो जाती है, हार्ट बीट एकदम पेस थ्रू कर रही थी। और उसके बाद मैंने वो PDF ओपन करी, उसमें फिर सर इतना लंबा एक तो जर्नी थी कि रोल नंबर याद ही हो गया था तो देखने की जरूरत नहीं थी, सीधा वो सर्च का ऑप्शन था। एक बार मैंने मोबाइल रखा था, मैंने हाथ जोड़े थे, एक बार भगवान को प्रे किया था रोल नंबर सर्च करने से पहले, उसके बाद मैंने अपना रोल नंबर डाला और ऐसे आंख बंद करके सर्च पे एक्चुअली में मैंने टैप किया था, तो फाइनली उसमें रोल नंबर मुझे दिख गया था। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब अकेले आपने जो है रिजल्ट देखा, है ना, उसके बाद फिर किसको सबसे पहले आपने इन्फॉर्म किया कि हाँ यार फाइनली जो है SBI PO में फाइनली सिलेक्शन हो गया और ऑफिसर बन चुके हैं, किसको बताया सबसे पहले? सर मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ इसलिए मैं अकेला ही था फर्स्ट फ्लोर पे, बाकी सब लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही थे। तो जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा मैं सबसे पहले उठ के नीचे भागा, उसके बाद नीचे सब लोग बैठे थे तो मैंने अपने दादाजी को सबसे पहले बताया। That's great. तो हाँ सर वो बहुत खुश हुए, मतलब सब बहुत ही ज्यादा खुश हुए क्योंकि मतलब काफी लंबी जर्नी रही थी सर, उसके बाद फाइनली 3 साल की प्रिपरेशन थी, उसके बाद जाके पहला सिलेक्शन था, तो बहुत ज्यादा खुश थे सब। तो घर में तो होली, मतलब होली तो अभी कुछ दिन बाद है, लेकिन आपके घर में तो होली सेलिब्रेशन पहले से ही चल रहा है और जबरदस्त एटमॉस्फेयर। आई थिंक पेरेंट्स के लिए और जो घर में फैमिली मेंबर्स है उनके लिए आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो एक तरीके से कहते हैं ना एनर्जी बूस्टर की तरह होगा और सबके लिए एक फीलिंग जो होगी दैट इज कहते हैं ना, जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग्स उन सभी लोगों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जो फ्रेंड सर्कल्स है, इवन हम लोगों के लिए भी काइंड ऑफ अ फीलिंग की आप लोग फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो अंकित फाइनली जो है इस सिलेक्शन की फाइनल जर्नी में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, बट कहते ना हर सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे एक प्रोसेस होता है, एक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होता है, या पेन ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, कुछ फेल्योर्स भी रहे होंगे, अप एंड डाउन्स भी रहे होंगे। सो जो एस्पिरेंट्स अभी देख रहे हैं आप सभी लोग, वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी आखिरकार किस तरीके की रही, और वो एक जर्नी कहीं ना कहीं बाकी के जो एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी और आगे अपने आप को बैंकिंग के एग्जामिनेशन में PO या क्लर्क के पोस्ट पर आगे जो है देखना चाहते हैं, तो वो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली। तो आप अपनी थोड़ी सी जर्नी बताइए कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की और क्या आपकी जर्नी रही। ओके सर, सर मैंने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन करी अपनी BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स में, तो जब मैंने एडमिशन लिया था 2017 में, अपना 3 ईयर कोर्स था मेरा, तो मैंने चाणक्य IAS अकेडमी से मैंने UPSC की प्रिपरेशन चालू करी थी, तो मैं कॉलेज के टाइम पे ही कॉलेज भी जाता था और सिविल सर्विसेज की मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और वो तो सर कोविड का टाइम था, तो ग्रेजुएशन बहुत ही मतलब फाइनल जो सेमेस्टर था 6th, उसके रिजल्ट डिले होते रहे
तो बहुत ही यूपीएससी की भी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही थी क्योंकि कॉलेज का भी पढ़ना था और दोनों। तो उसके बाद 2020 में ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद 2 साल और मैंने अलग से भी प्रिपेयर किया सिविल सर्विसेज का, तो उसके बाद भी मेरे दोनों अटेम्प्ट्स में मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था, जिसके बाद मैंने सोचा कि मुझे प्लान बी देखना चाहिए। तो मैंने कुछ और जो एग्जाम्स हैं उनका देखना चालू किया कि मैं और कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ और कहाँ पे मुझे फाइनेंशियली थोड़ा खुद को सपोर्ट कर पाऊँ पहले। तो उस टाइम मैंने सर बैंक एग्जाम्स को के बारे में पढ़ा था और मेरे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, फेलो जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे को पूरा इन बैंक एग्जाम्स के बारे में बताया कि कैसे, कि एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन से आप काफी सारे एग्जाम दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक प्रिपरेशन से इतने ज्यादा अगर एग्जाम दिए जा सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी कि मेरा सिलेक्शन हो पाए। Absolutely. यस सर। तो फिर 2022 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2022 में मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन छोड़ दी थी दिसंबर मंथ में, और तभी मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन चालू करी थी। तो 2022 दिसंबर के बाद से 2023 में एग्जाम दिए मैंने, और ये मेरा पहला ही बैंक एग्जाम का अटेम्प्ट था और मेरा इसमें हो गया फिर SBI PO में। Okay, that's great. So that's a two good thing. यस सर। लेकिन प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपने किस तरीके से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की या मेंस की प्रिपरेशन की, एंड किस तरीके से, बीच में प्रॉब्लम्स तो जरूर आई होंगी, है ना? ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जनरली जो है एस्पिरेंट्स जब प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, अप एंड डाउन्स भी आते हैं, है ना? और किस तरीके से आपने अपने आप को बूस्टअप किया और फाइनली जो है सिलेक्शन लिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, एक तो ये होता है कि जब बहुत टाइम तक एक ही चीज के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं और हमें कुछ रिजल्ट दिखता नहीं है तो बहुत ही ज्यादा डिसहार्टनिंग होता है, और सेल्फ डाउट जो कि सबसे बड़ी चीज होती है कि क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर सकता ये क्लियर। तो और मेरी ग्रेजुएशन का भी बेस सर मैथ्स ऑनर्स था, तो वो कुछ खास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता नहीं है आज की मार्केट में। तो मैं ऐसे ट्रैप्ड फील कर रहा था एक्चुअली, बहुत ही टफ टाइम के थ्रू मैं गुजर रहा था, क्योंकि फिर कोई एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता तो बहुत ही ट्रैप्ड था, एकदम कॉर्नर्ड हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन फिर चालू करी, तो मैंने सबसे पहले तो सर्च किया यूट्यूब वगैरह पे कि कैसे कैसे एग्जाम होता है ये। तो फिर मैंने प्रीलिम्स की चालू करी, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने जो बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने सर डेली जो पजल का रहता है रीजनिंग में, तो डेली पजल्स करे थे बहुत, 2 से 3 महीने तक तो मैंने पजल्स ही पजल सॉल्व किए थे, 2 से 3 महीने लगातार डेली 20 to 25 पजल्स। और डीआई पे मैंने बहुत फोकस किया, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी वो ये थी कि प्रीलिम्स के लिए अगर डेटा इंटरप्रिटेशन और पजल स्ट्रांग है तो बहुत, मतलब काफी आसान हो जाता है उसके बाद प्रीलिम्स क्रैक करना। और तीसरी चीज सर कि मेरी इंग्लिश काफी अच्छी थी शुरू से ही, क्योंकि मेरी स्कूलिंग को मैं उसका क्रेडिट दूंगा सर, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में मैंने पढ़ाई करी थी उसकी वजह से इंग्लिश बैकग्राउंड काफी अच्छा था। तो इंग्लिश अच्छी होना एकमात्र बहुत एज दे देता है बैंक एग्जाम्स में, ऐसा मैंने रियलाइज किया एग्जाम देने के बाद। ओके तो सर ये मैंने मिक्स प्रिपरेशन करी थी, मैं वीडियो लेक्चर्स पे रिलाई करता था अपनी प्रिपरेशन के लिए। मैं जैसे पजल्स की वीडियो देखी, फिर रीजनिंग में मिसलेनियस की वीडियोस देखता था, और उसके साथ साथ ही सर एक ही दिन में मैं मेंस का भी टच करने की कोशिश करता था। तो ऐसे पूरे जो 5-6 महीने की प्रिपरेशन थी उसमें मिक्स्ड प्रिपरेशन रही है मेरी। तो जैसे मान लेते हैं आपने कोई सेशन देखा और उस सेशन के बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह या फिर उसी पर बेस्ड, उसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व करते थे, एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया था प्रीलिम्स से पहले, या फिर एग्जाम से जस्ट पहले दिया था, या फिर जब जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया था उसी टाइम से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था। तो मॉक टेस्ट का आपका बेसिकली कैसा रहा, कब आपने दिया और कितने लगभग मॉक टेस्ट दिया ऑन एन एवरेज, कितना अगर हम बात करें नंबर्स में, काफी होगा वैसे सर नंबर्स। सबसे पहले तो जो RRBs के हमारे एग्जाम होते हैं, क्लर्क और RRBPO, तो मैंने सबसे बड़ी गलती तो यही करी थी कि मैंने मतलब डर एक फैक्टर था कि इतने महीने तैयारी करी है, तो मॉक में सर शुरू में मॉक टेस्ट देने में डर रहता है कि अगर कम मार्क्स आए, परसेंटाइल कम रही, तो फिर से वही कि फिर डाउटफुल सिचुएशन आ जाती है। तो RRBs में मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए थे, क्योंकि और शुरू में भी जो एक दो दिए थे मैंने उसमें भी मेरी कुछ अच्छी रैंक थी नहीं, बहुत ही परसेंटाइल भी कम थी, रैंक भी कम थी और मार्क्स भी कम ही थे। तो उसके बाद मैंने फिर मतलब बहुत ही कम कर दिया था RRB से, मैंने डर के मारे मॉक ही नहीं दिए थे, तो जिसकी वजह से मेरा एक भी RRB का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ दोनों में से।
उसके बाद सर मैंने अपनी मिस्टेक रियलाइज करी कि ऐसे तो नहीं हो रहा है। तो उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का था, तो उससे पहले मैंने 7-8 मॉक दिए थे, और जैसे जैसे हर एक एग्जाम बीतता गया सर मेरे मॉक्स की बहुत ज्यादा जो अमाउंट बढ़ता ही चला गया। और ये रिसेंटली एसबीआई क्लर्क में मैंने 27-28 मॉक टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले। मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म सर खरीद रखे थे सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि ये रियलाइज हो गया था कि मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन भी एक बार को एक टाइम तक ही आगे ले जाएगी, पर अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया ना तो कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो वो मुश्किल होगा मतलब उसके बाद। इसका मतलब अंकित, अगर हम ये कहना चाहें कि सभी को कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो अभी प्रिपरेशन कर रहा है और स्टार्टिंग में अगर मॉक्स दे रहा है और मॉक्स में इसके कम नंबर आ रहे हैं, कम नंबर मॉक्स के अंदर आ रहे हैं, तो उसको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना, डीमोरलाइज नहीं होना, बस कंटिन्यूअसली उसको और इम्प्रूव करते जाना, एक टाइम के बाद मार्क्स अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेंगे। ये बात सही है क्या? यस सर। और ऐसा भी होता है कि जैसे कभी हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया तो पहला क्वांट का सेक्शन आया और क्वांट में अटेम्प्ट नहीं हुए, तो उससे सर ऐसे डिसहार्टन नहीं हुआ था मैं, थोड़े टाइम में हुआ, फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि असली एग्जाम में भी तो ये सिचुएशन आ सकती है। ऑब्वियस बात है। तो असली एग्जाम मान लो कि असली ही एग्जाम चल रहा है और मेरे क्वांट में मान लो 35 में से 18 ही हुए हैं, तो अब मैं क्या करूंगा? क्योंकि अगर मैंने अभी मॉक में ये नहीं डिसाइड किया ना कि यहाँ से मैं कैसे करूंगा, तो रियल एग्जाम में भी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जो स्ट्रेस होगा वो मुझे रियल एग्जाम में भी ओवरवेल्म कर ही देगा। तो मॉक टेस्ट को हमेशा खुद को जज करने वाला टेस्ट नहीं समझना चाहिए, मैं ये एडवाइस देता हूँ। हमें जो जो मल्टीपल सिचुएशन में हम फंसेंगे मॉक टेस्ट में, हमें उसकी नॉलेज अपने पास रखनी चाहिए कि हाँ शुरू में अगर मेरा मॉक का पहला सेक्शन अच्छा नहीं जा रहा है तो भी मैं एक अच्छी रैंक सिक्योर करके सिलेक्शन ले सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम बहुत सारे मॉक्स देंगे। ओके, और मॉक टेस्ट की एनालिसिस के लिए आपने क्या किया था? जैसे टेस्ट दे दिया तो टेस्ट के बाद बेसिकली क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो केवल टेस्ट देते हैं, अच्छा टेस्ट में इतने नंबर आए, इतने सही किया, इतने गलत किया, बट उसकी एनालिसिस नहीं करते। तो एनालिसिस का क्या क्रूशियल रोल होता है जब मॉक टेस्ट देने के बाद, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मॉक टेस्ट एक्चुअली जैसे मॉक टेस्ट दिया उसके बाद उतना ही टाइम हमको उसके एनालिसिस के लिए भी मैं तो मतलब हमेशा ही देता था। तो मैं इंग्लिश सेक्शन से सबसे पहले स्टार्ट करता था कि इंग्लिश में देखो, क्योंकि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो इंग्लिश में जब मैं मार्क्स लूज करता था ना तो बहुत दुख होता था कि मैं पहले इंग्लिश का देखता हूँ मैंने कहाँ पे गलतियाँ की। तो फिर सबसे पहले मैं देखता था, फिर मैं टॉपिक्स देखता था कि एक्चुअली में मेरे क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मुझे मेरे मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है, मैंने फोकस नहीं था मेरा पैसेज रीड करते टाइम ड्यूरिंग द मॉक, तो उसको मैं एनालाइज करता था कि गलती हो किस वजह से रही है। उसके बाद रीजनिंग और क्वांट में भी सर यही रहता था कि टॉपिक देखना तो होता था सबसे पहले कि कौन सा टॉपिक नहीं हो पा रहा है, और जो टॉपिक मतलब मॉक में अटेम्प्ट नहीं हो रहा ना मतलब ये मान लेना चाहिए कि हाँ ये नहीं आता हमको, और अगर ये नहीं मैं अभी कर पा रहा तो मेरे से एग्जाम में भी, एग्जाम में तो सर अटेम्प्ट करने की हिम्मत ही नहीं आती उसको, वो छोड़ा ही जाता है फिर अगर हम एनालाइज नहीं करते उसको ढंग से और स्ट्रॉन्ग नहीं करते टॉपिक को। तो यही सर। तो इसका मतलब टॉपिक जब हम एनालिसिस मॉक टेस्ट दे दिया उसके बाद एनालिसिस विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करते तो मॉक टेस्ट का फिलहाल कोई मतलब नहीं होता और वो आपको उतना ज्यादा हेल्प नहीं करता कि आपको फाइनल सिलेक्शन दिला दे। मॉक टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट के एनालिसिस विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। इसके बाद मेंस की अगर बात करें, जैसा कि आपने बताया कि प्रीलिम्स और मेंस में आपने काफी मॉक टेस्ट वगैरह दिए, मॉक टेस्ट वगैरह से काफी काम किया, इंटरव्यू के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? क्योंकि एसबीआई की अगर एग्जाम की बात करें तो इंटरव्यू हो गया, ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह हो गई, वो भी हमें वहां पर देखने को मिलती, तो उसके लिए आपने किस तरीके से किया, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी थोड़ा सा बताइएगा किस तरीके से आपने उसके लिए प्रिपरेशन किया, क्या किया आपने? सर सबसे पहले तो जो मैंने मॉक इंटरव्यू अपना दिया था वो अड्डा 24/7 में ही दिया था, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था। रियल वाला इंटरव्यू मेरा इसीलिए अच्छा हो पाया क्योंकि जो सारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है ना कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं जवाब दे पाऊंगा, पैनल कैसा होगा, तो जो अड्डा 24/7 में जो मोहंती सर थे, जैन सर थे, और आपने ही भी लिया था मेरा मॉक इंटरव्यू, तो वो बहुत ही मतलब अच्छा पैनल है एक अड्डा 24/7 का इंटरव्यू के लिए। तो और ग्रुप डिस्कशन में भी वैभव सर ने ग्रुप डिस्कशन हमारा करवाया था, उसमें मेरे पैनल के मतलब जो मेरे ग्रुप में जो लोग थे जो जीडी में साथ थे मेरे, वो लोग बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे, तो मैं उनको भी एक बार ऐसे साइलेंट थैंक्स बोल रहा था एग्जाम के बाद भी कि क्योंकि उन लोगों ने एक टफ कॉम्पिटिशन मेरे को दिया था जीडी में, और वहां पे मैंने अपनी मिस्टेक रियलाइज करी थी कि मैं अगर नहीं बोलूंगा तो वहां पे सब लोग मतलब बोलने का चांस ही नहीं देंगे, तो जो जो कि मॉक में जो
कॉम्पिटिटिव रहा था पूरा एटमोसफेयर, उसकी वजह से जो रियल जीडी और रियल इंटरव्यू था ना उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो रहा था, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया था मॉक देने के बाद। वो कहते हैं ना नेट प्रैक्टिस अगर अच्छी रहती तो रियल एग्जाम में या फिर रियल मैच में जाके परफॉर्म करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, वो आपने किया। और हाँ सर, एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ग्रुप डिस्कशन का जो ग्रुप था वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव था, तो मेरा बार हाई ही सेट हो गया था कि रियल वाला भी मेरा इतना ही खतरनाक होने वाला है, और अगर मैंने रोबस्ट तरीके से जीडी में एक्ट नहीं किया तो हो सकता है कि मैं ना बोल पाऊं, मुझे वहां बोलने का मौका ना दिया जाए। तो पर रियल जो जीडी था वहां पे लकीली मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स थे वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं थे जितना मेरे मॉक में थे, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ही फायदा मिला था सर। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। यस सर, यस सर, एब्सोल्युटली। अच्छा, और डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या किया आपने? डिस्क्रिप्टिव के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का लेकर एक स्टूडेंट्स को फियर रहता है, और अब तो आईबीपीएस में भी हमें डिस्क्रिप्टिव्स वगैरह देखने को मिलते हैं पीओ वगैरह में, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या स्ट्रेटजी रही, किस तरीके से आपने प्रैक्टिस की? टाइपिंग स्पीड वगैरह वहां पर मैटर करती है क्या? कि एक जनरल टाइपिंग स्पीड है बट हमारे पास कंटेंट अच्छा है, सो हमारे पास एनफ टाइम रहता है कि हम आराम से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिख सकते हैं वहां पर, क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? क्योंकि हमें सिस्टम पर वहां पर फिलहाल टाइप करना रहता है। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि डेली न्यूज़पेपर जो है वो बैंक एग्जाम्स में बहुत एक अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि एक तो वो जनरल अवेयरनेस भी बढ़ाएगा, साथ साथ ही वो इंग्लिश भी इम्प्रूव करता है, वोकैबुलरी भी उससे इम्प्रूव होती है। Absolutely. और तीसरा सर, जो डिस्क्रिप्टिव में जो एसेज आएंगे उस एसेज का फॉर्डर हमारे पास तभी होगा जब हम डेली न्यूज़पेपर रीड करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा टॉपिक्स के बारे में कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, तो फिर जब रियल में हम डिस्क्रिप्टिव देने बैठेंगे ना तो हम बहुत फिर सोचने में ही बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि हमारे पास रेडी पॉइंट्स होंगे ही नहीं। यस सर, तो अगर हम जैसे 5 से 6 महीने तक डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मोर और लेस जो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू है उसमें काफी सारे जो सोशल इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, सब डिस्कस होते हैं, तो हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग का बेस बन जाता है और हर एक टॉपिक के बारे में हमारे पास थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि क्योंकि न्यूज़पेपर मैं रेगुलरली रीड कर रहा था तो मेरे पास फॉर्डर पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से जब मैं डिस्क्रिप्टिव में देने बैठा तो टाइपिंग मेरी, मैंने कभी टाइपिंग करी नहीं है सच, क्योंकि प्रिपरेशन में टाइपिंग का कोई यूज वैसे होता नहीं है, तो जब टाइपिंग करने बैठो और आपके पास अगर फॉर्डर अवेलेबल है तो टाइपिंग स्पीड धीरे भी हो तो फिर वो चल जाता है मतलब, लेकिन अगर आपके पास फॉर्डर पॉइंट्स ही नहीं है तो फिर आप कितना ही तेज टाइप कर लो फिर आप सोचने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे। तो न्यूज़पेपर का रोल मैं सर इसमें बताना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर का बहुत ज्यादा रोल रहेगा। न्यूज़पेपर आपको डेली कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर आप फॉलो करिए इंग्लिश का, सो दैट आपके कहते हैं ना एक तीर से दो दो शिकार होंगे, जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, प्लस साथ ही साथ इंग्लिश में भी काफी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आजकल देखा जाता है इंग्लिश के जो पैसेजेस हैं कॉम्प्रिहेंशन है या रीअरेंजमेंट्स वगैरह है या क्लोजेस वगैरह है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेस कई बार पैराग्राफ्स वगैरह डायरेक्टली आ जाते हैं, तो वहां पर भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप में से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम की अच्छे से इन पॉइंट्स को सुन लीजिए और इसको फॉलो करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जिन्होंने फॉलो किया है आप देख सकते हैं कि सामने जो है सक्सेस स्टोरीज के लिए आपके सामने अवेलेबल है। अच्छा अंकित, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा आपसे जो जनरली सभी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि कई बार जब मोरल डाउन होता है, मार्क्स कम आए या फिर प्रीवियस एग्जाम्स का एक कहते ना एक माइंड में बैकअप में रहता है, यार वो एग्जाम की प्रिपरेशन किया था, तैयारी किया था, नहीं हुआ था, यार अब इसको छोड़ रहे हैं, अब शिफ्टिंग फॉर द प्लान बी, तो उस चीज को कैसे ओवरकम किया आपने, या फिर कौन सी चीज ऐसी थी जो आपको जिसने मोटिवेट किया और ये नहीं यार चलो ये नहीं हो पा रहा इसकी तरफ अब चलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी में हम लगे रहते हैं एंड जस्ट स्विच फॉर द प्लान बी और हमने उसमें अच्छा किया, और कौन सी चीज थी जो बीच बीच में आपको मोटिवेट करती रही थी? कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर जरूर होता है जो सभी सक्सेस स्टोरीज के पीछे कहीं ना कहीं होता है, तो आपके लिए वो मोटिवेशन फैक्टर क्या था? सर मेरी जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग इस चीज से हुई थी कि कैसे मैं ऑफ यूटिलिटी हो सकता हूँ मतलब सोसाइटी के लिए, मुझे कुछ अच्छा करना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ अगर छोटा सा भी मैं ला पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सर जब एक तरफ से नहीं हो रहा था सिविल सर्विसेज में तो मैंने सोचा कि कुछ और मुझे देखना चाहिए, और फिर मैंने दूसरी प्रिपरेशन स्टार्ट की पूरा एनालिसिस करके, तो डाउनफॉल्स तो सर बहुत ज़्यादा आए थे। उसके बाद मैंने जो स्ट्रेटजी करी थी यूज़ वो ये थी कि सर मैंने जिम वगैरह और फिजिकल एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि मैंने रियलाइज़ करा था कि अगर सिर्फ हम पढ़ते ही पढ़ते रहेंगे तो हमारी एक टाइम के बाद अगर फिजिकल स्टेट अच्छी नहीं है बॉडी की तो वो हमारी मेंटल स्टेट को बहुत ज्यादा हार्म करता है। Absolutely. तो एक हाँ, तो फिजिकल स्टेट अगर बॉडी की हमने मेंटेन करी हुई है तो वो हमको बूस्ट देता है हमारी मेंटल स्टेट को भी। तो जब मैंने
जिम ज्वाइन किया था तो मैं वर्कआउट करता था तो उससे मेरा हेड क्लियर रहता था। ये सब थॉट्स आते नहीं है जब आपकी बॉडी जैसे जिम के बाद टायर्ड हो जाती है एकदम, तो आपके पास ये नेगेटिव थॉट बचते नहीं है सोचने के लिए। आप सोचते हो कि मैंने वर्कआउट किया है, मुझे खाना है, और जो मेरे पास लिमिटेड टाइम बचा है मुझे उसमें पढ़ना ही है, तो स्कोप बहुत ही कम हो जाता है नेगेटिव थॉट्स का। तो मैं रनिंग पे भी रिलाई किया था, हमारे पास में यहाँ पे आर कॉलेज के ग्राउंड में मैं रनिंग करने जाता था डेली। 400 मीटर का एक ट्रैक है, मैं कोशिश करता था कि रोज 10 राउंड तो उसके काटने हैं, तो 10 राउंड जैसे करे तो उसके बाद बॉडी जब थकती है तो नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं। तो मैं ये एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि सिर्फ रूम में बैठ के पढ़ना पढ़ना नहीं है, बाकी आपकी कुछ एक्टिविटी है जो आपके माइंड को रिलैक्स करती है, तो आपको एक ऐसी एक्टिविटी रखनी है जो आपको पसंद है, जिससे आपको अच्छा लगता है, ताकि आपकी ओवरऑल पूरी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रेसफुल ना हो। अच्छा, आप में से जो कई सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, कई सारे एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम फेसबुक पर रील चलाते रहते हैं तो क्या वो भी एक्टिविटी के अंदर काउंट होगा, या कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई आउटडोर एक्टिविटी ऐसी चाहिए जिससे आपकी फिजिकल जो एक्टिविटीज होगी और उसके बाद जो बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और बॉडी में आप खुद ही ऑटोमेटिकली आप एनर्जाइज फील करते हैं, तो वो वाली, या फिर वो रील वाला जो जमाना चल रहा है वो रील से किसे करना चाहिए? सर फिजिकल एक्टिविटी ही कुछ ना कुछ, मेजोरिटी जैसे चेस खेल सकते हैं, अगर ऑनलाइन ही आपको खेलना है तो आप चेस खेलिए, आप ऐसे गेम करिए जिसमें आपको मतलब आपको ऐसा लगे कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। Yes. कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं लगनी चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि आप डोरमेंट पड़े हुए हो बस, और कुछ अगर आपको प्रोग्रेस दिखती रहेगी चाहे छोटी छोटी कहीं कहीं पे भी दिखेगी तो वो ओवरऑल एड अप करके आपको बहुत ही मेंटल बूस्ट देगी, आपको पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस देगी वो। तो फिजिकल एक्टिविटी अगर हो तो ज्यादा अच्छा, योगा वगैरह, रनिंग, जिम, भी एक जिम है, स्विमिंग वगैरह है, योगा एक्सरसाइज, कोई भी एक चीज, कुछ भी एक, कुछ भी एक। ओके ओके अंकित, आफ्टर फाइनल सिलेक्शन विद इन द एसबीआई, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या? सर अभी तो अभी किया है कि सर अभी तो सेलिब्रेट करें, भी एंजॉय करें, सर बाद में कुछ करेंगे प्लान? सर अभी तो मेरा ये, मैंने यही सोचा है कि पहले जॉब बैंक में जॉब लगी है तो मैं कुछ नया सीखने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उसमें अपना थोड़ा उसी के लाइन पे परस्यू करूं और बैंकिंग में ही थोड़ा अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखूं, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूं, अभी उसके अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं है। ओके ओके दैट्स ग्रेट। सो अंकित, फाइनली जो है अगर हम कंक्लूजन की बात करें, आपका ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन की फॉर द ईयर 2024, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि यार ये चीजें करनी है विद इन अ वेरी शॉर्ट नटसेल में, क्या ये क्या क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करना है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर अगर एग्जाम के बारे में मैं सीधा सीधा बताऊं तो अगर कि कैसे क्रैक करना है तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ में ही करनी पड़ेगी, डेली 20 पजल बनाने ही पड़ेंगे, पजल का बहुत ज्यादा रोल है, अगर पजल और डीआई आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो मेजोरिटी, हाँ, और मेजोरिटी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएंगे अगर पजल डीआई आप बहुत जल्दी बना लेते हो, क्योंकि मैंने अरिथमेटिक पे पूरी बैंकिंग प्रिपरेशन में सर बिल्कुल रिलाई नहीं किया था, मैंने अरिथमेटिक को नेग्लेक्ट करा था और मैं अरिथमेटिक कभी अटेम्प्ट नहीं करी, मैं हमेशा मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी सिर्फ सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के वजह से ही मैंने क्लियर कर लिया था। और मैं न्यूज़पेपर का जो मैंने बोला कि न्यूज़पेपर डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर इंग्लिश वीक है तो फिर वही मुश्किल हो जाता है, आप किसी भी एक सब्जेक्ट को कमजोर नहीं छोड़ सकते, एटलीस्ट आपको एक एवरेज हर सब्जेक्ट में लाना ही पड़ेगा। और दूसरा वही जो मैंने बताया कि कोई और एक्टिविटी आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे फिर वो एक पीक कर जाएंगे अपनी, फिर आपकी फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी नहीं रहेगी तो आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाएंगे, फिर वो प्रिपरेशन खराब होगी तो इतने महीने की मेहनत बिगड़ जाती है तो कोई फिर सेंस नहीं होगा। वो कोई ऐसी बात जो नहीं करनी चाहिए, कोई एक पॉइंट ऐसा? सोशल मीडिया का यूज सर अगर थोड़ा कम किया जाए जो एस्पिरेंट्स रहते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो अटेंशन स्पैन, वही अटेंशन स्पैन रिड्यूस कर देता है। Absolutely. फिर बार बार कुछ ना कुछ देखने का मन करता है, और प्रिपरेशन में तो क्या है कि क्वांट पढ़ रहे हैं तो 3-4 घंटे फिर क्वांट ही पढ़नी है तो फिर अटेंशन स्पैन ही नहीं रहेगा तो फिर वो क्वांट पढ़ा नहीं जाएगा, रीजनिंग है वो भी 3-4 घंटे जैसे दिन की पढ़नी पड़ेगी फिर अटेंशन स्पैन नहीं है तो उसमें भी दिक्कत है, और फिर न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि उसमें फिर दिमाग लगाना पड़ रहा है और सेम कंटेंट इतनी देर पढ़ने की फिर आदत खत्म हो जाती है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो सोशल मीडिया को अवॉइड करना चाहिए, अपना व्हाट्सएप अगर है तो दोस्त वोस्त थोड़े बहुत जिनसे बात होती है ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इस सबको अवॉइड ही करना चाहिए। ओके दैट्स ग्रेट। ओके सो अंकित, सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपकी जर्नी के बारे में पता चला, और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जर्नी जो है वो बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी फिलहाल एस्पिरेंट्स हैं बैंकिंग के, फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों को जरूर हेल्प करेगी
एंड वंस अगेन अडर 24/7 की एंटायर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और आपको फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम अवर साइड, है ना। और बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ डिस्कशन करके। कोई फाइनल वर्ड आपकी तरफ से? सर ऑल द बेस्ट मैं सबको बोलना चाहूंगा। अड्डा 24/7 ने भी मेरी बहुत हेल्प की और मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर राइट डायरेक्शन में अगर आप अपना गोल परस्यू करेंगे तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करी हुई कभी बेकार नहीं जाएगी। एब्सोल्युटली। ओके अंकित, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।